ओके तो यार आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप ऐसे व्हाट्सएप के सीक्रेट ट्रिक जो कि एक्चुअल में आपको किसी ने बताया नहीं होगा, और जितने भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो सारे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप को कुछ और भी ज्यादा सिक्योर या कुछ ऐसा ट्रिक करना हो मजेदार तो आप डेफिनेटली आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज रोहित और स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप की पहली ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे व्हाट्सएप का ट्रिक जो निकल के आता है वो काफी कमाल का है। अब इस ट्रिक को आप कुछ इस तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है भाई, हमने किसी को अपना स्मार्टफोन दे दिया और हम ऑनलाइन हैं, तो ऐसा क्या होता है कि भाई व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं और वो बंदा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज भी सकता है। डेफिनेटली अगर कोई बंदा भी ले रखा है तो वो डेफिनेटली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। बट ऐसा कोई ट्रिक आपको मिल जाए जिससे आप व्हाट्सएप का, अगर आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन भी आ चुके हो तब भी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आए और डाटा ऑन होने के बाद ही मैसेज ना आए और ना जाए, तो डेफिनेटली आप इस ट्रिक का यूज कर पाओगे। तो इस ट्रिक में आप व्हाट्सएप को क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एफ इन्फॉर्मेशन पे आ जाना होगा, और यहाँ पे आने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे डेटा यूज करके एक सेक्शन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप डेटा कौन कौन सी जगह से यूज करना चाहोगे। तो आप क्लोज पे क्लिक करोगे, तो डेफिनेटली जैसे ही आप क्लोज पे कर दोगे तो आपके व्हाट्सएप के द्वारा ना तो मैसेज जाएगा और ना ही आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा। काफी कमाल का ट्रिक है ये, आपकी प्राइवेसी को और भी ज्यादा बचा पाएगा। नेक्स्ट वाले ट्रिक से आप अपने व्हाट्सएप की सारी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप से ही मंगा पाओगे। व्हाट्सएप ने ऐसा कुछ फीचर एक दे रखा है जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप से अपनी सारी डिटेल मंगा पाओगे कि मैंने अब तक कितने लोगों से चैट किया, मेरा व्हाट्सएप कब ऑन था, कब ऑफ था, सारी डिटेल, कितने कॉन्टेक्ट थे, सब कुछ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको व्हाट्सएप के सेटिंग पे आना होगा। व्हाट्सएप की सेटिंग पे आने के बाद आपको अकाउंट का सेक्शन मिलता है, तो आप अकाउंट पे क्लिक करोगे और नीचे आपको रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन भी देखने को मिलता है। तो आप डेफिनेटली इसे क्लिक करोगे और इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इस रिक्वेस्ट को जैसे ही क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको एक टाइम दिखा दिया जाता है भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुकी है और आपके जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जो व्हाट्सएप की सारी डिटेल है वो कितने दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरी टाइम दिखा दिया जाएगा और वो सारी डिटेल आपको एक पीडीएफ फाइल के थ्रू आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिया जाएगा, जिसे आप अगर ओपन करते हो तो आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने अभी तक व्हाट्सएप पे किससे कितना बात किया और कितना नहीं किया, सब कुछ मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप ट्राई करना चाहो तो। नेक्स्ट वाले ट्रिक से आप अपने व्हाट्सएप का बैकग्राउंड रन करना बंद कर सकते हो। यानी जब तक आप अपने व्हाट्सएप को ओपन नहीं करोगे तब तक आपके व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं आएगा, डेफिनेटली आप कर पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप व्हाट्सएप को क्लिक करके रखो और वहां पे ऐप इन्फॉर्मेशन पे आ जाइए, और ऐप इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद आपको सबसे नीचे एक सेक्शन मिलता है बैकग्राउंड डेटा करके ऑप्शन मिलता है, तो आप ये इनेबल आपको मिलेगा, आप इसे डिसेबल कर दीजिए। जैसे ही डिसेबल कर दोगे अब जब तक आप व्हाट्सएप को ओपन करके चलाओगे तब तक आपके व्हाट्सएप से मैसेज आएगा और मैसेज जाएगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप को बंद कर दोगे ना तो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा और ना ही व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा। तो ये यूजेज आप डेफिनेटली अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हो थोड़ा सा मजेदार के लिए, और अपनी प्राइवेसी को और भी ज्यादा बचा पाओगे कि भाई जब तक हम व्हाट्सएप को ओपन नहीं करें तब तक हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं आएगा। तो आप इस तरह करके ट्राई कर पाओ। नेक्स्ट वाली ट्रिक से आप किसी के भी चैट को पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर पाओगे, यानी एक पीडीएफ फाइल बना पाओगे, पूरी की पूरी चैट को आप पीडीएफ फाइल बना के आप एक सेव कर पाओगे। अब बहुत सा कंडीशन होता है कि चैट बहुत भारी भरकम हो जाता है जिसे हम स्क्रीनशॉट लेते लेते यानी बहुत सारे इमेज हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप उस चैट को एक्सपोर्ट कर पाओगे। इसके लिए आप व्हाट्सएप को ओपन करो और व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ पे किसी भी पर्सन के चैट के सेक्शन पे आ जाइए जिसका आप चैट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसे क्लिक करने के बाद आप इसके थ्री आइकोन पे क्लिक करोगे, नीचे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है तो आप मोर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट चैट करके ऑप्शन मिलता है, तो आप इस एक्सपोर्ट चैट को क्लिक कर दोगे तो आपका जो चैट है वो डेफिनेटली एक्सपोर्ट हो जाएगा। और वहां पे पूछेगा भाई आप इसे शेयर कहाँ करना चाहते हो इस फाइल्स को, तो आप डेफिनेटली जहां पे आप शेयर करना चाहो वहां पे सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे अब हम जैसे इसे ओपन करेंगे तो हमारी सारे चैट डेट सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी कमाल है। और आप इसे केबी में आता है तो आप इसे कहीं भी छिपा सकते हो। नेक्स्ट वाले ट्रिक से आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को म्यूट कर पाओगे, यानी कि बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है भाई किसी पर्सन ने स्टेटस लगाया और भाई अगले बंदे ने हमारा स्मार्टफोन ले लिया और हम चाहते हैं कि भाई वो बंदा हमारे कॉन्टेक्ट के स्टेटस ना देख पाए, तो ऐसे कंडीशन में आप स्टेटस को म्यूट कर पाओगे। अगर उसे नहीं पता तो नहीं देख पाएगा, अगर उसे पता है कि भाई म्यूट कहाँ पे होता है, कहाँ पे फाइल्स होते हैं, तो डेफिनेटली देख पाएगा। थोड़े से जुगाड़ू ट्रिक है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर पाओगे। तो यार कैसी लगी व्हाट्सएप की ट्रिक मुझे कमेंट करके बताना, और आपको क्या ऐसी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताना। जो भी है मुझे कमेंट कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।